तो गाइज़ अगर आप भी पेटीएम ऐप यूज़ करते हैं और आप चेक करना चाहते हैं पेटीएम में क्या क्या सर्विस एक्टिवेट है और कौन कौन से डीएक्टिवेट है, सिंपल आपको अपनी पेटीएम, जैसा कि आप सब जानते हैं पेटीएम में अभी कुछ इश्यू चले हुए हैं जिनके कारण से पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो पोस्ट पेड की सर्विस है वो इन्होंने फिलहाल बंद कर दी है। आप यहाँ पर ऐप ओपन करने के बाद ऊपर आपके यहाँ पर फोटो का आइकन मिलता है, आपको यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद गाइज ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पे गाइज आपको ये बेनिफिट है कि आप इसी पेज के ऊपर जितनी भी पेटीएम की सर्विस है वो चेक कर पाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोफाइल और एक्टिव पेटीएम सर्विसेज, आप यहाँ पे टाइप करेंगे जो सर्विस एक्टिव होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी और जो बंद होगी वो भी आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट पेड की बंद है, पर्सनल लोन है वो हमारा है नहीं, मर्चेंट कैश एडवांस, पेटीएम पेमेंट बैंक जिसमें अभी इश्यू चल रहे हैं और ये पॉपअप दे भी रहे हैं 15 मार्च के बाद बैलेंस निकले ना निकले, तो आप यहाँ से अभी अगर निकालना चाहें तो अभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गोल्ड बैलेंस होगा वो भी यहाँ पर दिखा देंगे, फास्टैग का बैलेंस भी यहाँ पर दिखा देंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट आप देख रहे हैं यहाँ पे 0-0 है, पेटीएम मनी मर्चेंट अकाउंट। तो अगर यहाँ पे आपकी कोई भी सर्विस एक्टिवेट होगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे और उसे आप डीएक्टिवेट करना चाहें तो आप यहाँ से इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने ही ऑप्शन आ जाएगा डीएक्टिवेट का। तो इस तरह आप अपनी सारी सर्विस चेक कर पाएंगे और अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।